Double tap to activate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you will be very fine. So today we are going to discuss about Down syndrome. हम लोग डाउन सिंड्रोम डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट हैज़ अ ट्रेंड इन पाकिस्तान, क्योंकि जो रिसर्च है वो ये कहती है कि पाकिस्तान में ये 2021 की रिसर्च है जिसका मैं अभी रेफरेंस देने लगा हूँ आपको. रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान में हर 300 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार पैदा होता है. सो ये एक हॉट टॉपिक है, बर्निंग इशू है, इसको समझने की ज़रूरत है. इसलिए ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, या उन तमाम टीचर्स के लिए जो कि इस फील्ड के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं. सो हम डाउन सिंड्रोम को पढ़ते हैं, पहले से समझने की हमें ज़रूरत है. डाउन सिंड्रोम है क्या? बेसिकली डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है इन विच द इंडिविजुअल हैज़ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आप जानते होंगे दैट a female has 23 chromosomes and a male has also 23 chromosomes. So 23 plus 23 is equal to 46. If there are 46 chromosomes, agar 46 chromosomes hai, then the child will be the normal. So aur agar wo deviate karega 46 chromosomes se 45 ya 47, so that there will be some kind of abnormality in the child. So डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है. और ये क्रोमोसोम्स होते क्या बेसिकली? ये क्रोमोसोम्स बेसिकली स्मॉल पैकेजेस ऑफ जीन्स इन द बॉडी. बॉडी के अंदर हमारे छोटे छोटे स्मॉल पैकेजेस होते हैं जो कि जीन्स कहलाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ये सारे क्रोमोसोम्स बनते हैं. बेसिकली ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इस चीज को डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे की बॉडी कैसी होगी. नॉर्मली जो बच्चा होता है, जैसे मैंने आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर की, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक बच्चे के नॉर्मल. तो जो बच्चे डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होती है. 46 की बजाय एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, आई मीन टू से 47 क्रोमोसोम्स. अच्छा जी, कौन से क्रोमोसोम की? क्योंकि ये जो 46 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम का एक नंबर होता है, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, 3, 4, लाइक दैट. सो ये जो क्रोमोसोम है इसका नंबर है 21, तो हम इसे कहते हैं ट्राइसोमी 21. ये बेसिकली एक मेडिकल टर्म है, ट्राइसोमी 21. तो डाउन सिंड्रोम को अगर ट्राइसोमी 21 भी कहा जाए, इसका दूसरा नाम कहा जाए, तो इट इज नॉट रॉन्ग. यही जो एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम की, यही तब्दीली लाती है बच्चे की बॉडी में और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में भी तब्दीली लाती है. और इसी वजह से बच्चे को मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस दोनों आते हैं. एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम का शिकार जो बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं वो एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन उनकी एबिलिटीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी. ये जैसे हम टर्म यूज करते हैं ना, फीनोटाइप और जीनोटाइप. फीनोटाइप में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं और जीनोटाइप में जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं. तो यहां पर ये डाउन सिंड्रोम को फीनोटाइप अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा. अच्छा, ये जो जो इंडिविजुअल डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं, इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो थोड़ा सा माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे लो होता है, और दूसरे बच्चों की नॉर्म निस्बत ये जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं थोड़ा आहिस्ता बोलते हैं, थोड़ा स्लो बोलते हैं. इनकी जो स्पीकिंग स्पीड होती है वो स्लो होती है, तो आईक्यू लेवल भी इसी वाले से थोड़ा सा लो लेवल का होता है, माइल्ड लेवल का. अच्छा, अब हम डाउन सिंड्रोम के अगर फीचर्स की बात करें तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. आई एम सॉरी, इसमें हम कुछ कॉमन फीचर्स डिस्कस करेंगे. नंबर वन, फ्लैटन फेस होता है, चेहरा फ्लैट. खासकर जो नाक की जो ब्रिज होती है ना, नाक की जो चोंच होती है, जो ये कह लें कि ब्रिज कह लें,
फ्लैटन है। नंबर टू, आंखों का जो स्टाइल होगा वो आमंड शेप होगा, जिसे आमंड शेप्ड आईज या स्लांटेड आईज भी कहा जा सकता है। नंबर थ्री, गर्दन छोटी होगी, शॉर्ट नेक। नंबर फोर, स्मॉल ईयर्स, कान छोटे होंगे। नंबर फाइव, पांचवें नंबर पे इनकी जो टंग है वो ऐसे महसूस होगा जैसे मुंह से बाहर आ रही है, मींस अ टंग दैट स्टिक आउट ऑफ द माउथ। नंबर सिक्स, अच्छा ये जो हमारी आंख का कलर पार्ट ऑफ द आई होता है ना, जिसे आयरिस कहा जाता है, उसमें एक छोटा सा व्हाइट कलर का धब्बा भी होगा, व्हाइट कलर का स्पॉट भी होगा, टाइनी व्हाइट स्पॉट इन द आयरिस। नंबर फाइव, सॉरी नंबर सेवन, स्मॉल हैंड्स एंड फीट, हाथ और पांव छोटे होंगे। नंबर एट, सिंगल लाइन अक्रॉस द पाम्स ऑफ द हैंड, ये जो हमारे हाथों के दरमियान एक बेस ही बनी होती है ना, इसे कहा जाता है पाल्मर क्रीज, इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये एक सिंगल सी लाइन होती है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, हम सब की बे होती है ना, तो इनकी बिल्कुल सीधी होती है जो पाल्मर क्रीज होती है ना। नंबर नाइन, स्मॉल पिंकी फिंगर्स That sometimes curves toward the thumb, यानी कि इनकी जो फिंगर्स होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। नंबर टेन, पुअर मसल टोन, मसल्स इतने मजबूत नहीं होते इनके। नंबर अलेवन, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे थोड़े छोटे होते हैं कद में, हाइट इनकी छोटी होती है। अब सवाल ये है कि कितने बच्चे जो है ना डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं, अगर अमेरिका यूएस की बात की जाए, हर साल अमेरिका में 6,000 बच्चे पैदा होते हैं डाउन सिंड्रोम के साथ, यानी कि अमेरिका में हर 700 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार है। और अगर इसी को पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस इज वेरी डेंजरस। हर 300 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है, और ये एक स्टडी हुई थी 2021 में, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे वो उसकी डेट भी मेंशन कर दी है। अब डाउन सिंड्रोम की दुनिया में अवेयरनेस के लिए सूटेबल कलर्स क्या हैं? अच्छा, ये ब्लू और येलो दो कलर्स हैं जो कि सिर्फ डाउन सिंड्रोम की अवेयरनेस के लिए यूज किए जाते हैं दुनिया में, ठीक है। और जो डाउन सिंड्रोम को कवर करने के लिए या डाउन सिंड्रोम को डील करने के लिए, डाउन सिंड्रोम के अवेयरनेस के लिए ब्लू और येलो कलर्स यूज किए जाते हैं दुनिया में ड्रेसिंग में, ओके। और सवाल यह है कि क्या घरों में या स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स में भी डाउन सिंड्रोम के लिए कोई पर्टिकुलर कलर यूज किया जाता है वॉल्स पे, बिल्डिंग्स में? तो इसका ऐसा जिस तरह कोई कलर नहीं है, वो आप नॉर्मल कलर यूज कर सकते हैं, जैसे बाकी बच्चे जो कलर्स पसंद करते हैं वही कलर्स डाउन सिंड्रोम बच्चे भी पसंद करते हैं। हाँ, एक स्कूल बना ही डाउन सिंड्रोम के बच्चों को डील करने के लिए, तो वहां पे यकीनन आप ब्लू या येलो कलर फॉर अवेयरनेस पर्पस कर सकते हैं वॉल्स पे। अब इंटरनेशनल डे, इसका जो कब सेलिब्रेट किया जा सकता है, मैंने स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, बट आई विल स्पीक। दिसंबर 2011 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल असेंबली है, उसने जो ऑटिज्म का, सॉरी डाउन सिंड्रोम का जो पर्टिकुलर डे स्पेसिफिक किया था, डेजिग्नेट किया था, वो था 21 मार्च। तो हर साल 21 मार्च में डाउन सिंड्रोम का इंटरनेशनल डे फॉर डाउन सिंड्रोम सेलिब्रेट किया जा सकता है, सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान में भी इसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अगर डाउन सिंड्रोम के टाइप्स की बात की जाए, तो डाउन सिंड्रोम के तीन टाइप्स हैं। अगरचे ये नजर सेम आते हैं, बट इन टाइप्स की वजह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर वन, ट्रिसमी 21, मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन टाइप है, और 95% जो लोग हैं या बच्चे हैं वो डाउन सिंड्रोम का इसी ट्रिसमी 21 का शिकार होते हैं। अच्छा, ये जो टाइप है डाउन सिंड्रोम की, हर सेल जो जिस्म के अंदर मौजूद है
उसकी तीन डिफरेंट कॉपीज बन जाती हैं ट्राइसोमी 21 की, तीन कॉपीज, थ्री कॉपीज, क्योंकि ज़हन में रखें नॉर्मल इंसान में दो कॉपीज होती है ना हर क्रोमोसोम्स की, लेकिन यहां पे तीन, एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाती है। नंबर टू पे है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, ये बहुत कम लोगों में ये टाइप पाई जाती है, ज्यादा ज्यादा 3% लोग कह लें। एक बार जहन में रखें कि इसमें एक्स्ट्रा कॉपी तो बनती है, लेकिन वो उसी क्रोमोसोम के साथ नहीं होती जिसकी वो कॉपी होती है, उसकी जगह ही चेंज होती है, इस वजह से इसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। मतलब वो उस जगह पे मौजूद नहीं होता बॉडी के अंदर जहां से मौजूद होना चाहिए, वो किसी और जगह चला जाता है, होता बॉडी में है। हमारे पास जो तीसरी टाइप है डाउन सिंड्रोम की, वो है मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। ये ज्यादा ज्यादा 2% लोगों को दुनिया में मुतासिर करती है या बच्चों को। मोज़ेक का मतलब है मिक्सचर या कॉम्बिनेशन। जिन बच्चों को मोज़ेक डाउन सिंड्रोम होता है उनके अंदर थ्री कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स ट्राइसोमी 21 की तो होती हैं, लेकिन जो बाकी सेल्स होते हैं उनकी दो कॉपीज मौजूद होती हैं। ये जो मोज़ेक डाउन सिंड्रोम का शिकार जो बच्चे होते हैं इनके अंदर ये देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनके अंदर चूंकि मुख्तलिफ और तरह के क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, इस वजह से क्वालिटीज या एबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। अब अगर इसके कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए, अच्छा इसमें जो पहला फीचर वो ये है कि जो इनके जो फिजिकल चैलेंजेस हैं उसमें फिजिकल फीचर्स में डेवलपमेंटल चैलेंजेस बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन रिसर्च अभी तक ये पता चलाने में नाकाम है कि आखिर ये होता क्यों है डाउन सिंड्रोम। अच्छा दूसरा फैक्टर जो डाउन सिंड्रोम का समझ में आ रहा है रिसर्चर्स की या डॉक्टर्स की या साइंटिस्ट की, वो ये है कि जो खवातीन 35 साल 35 ईयर्स से ऊपर प्रेगनेंसी फेज में दाखिल होती हैं, यानी कि ओल्डर मदर, उसमें उनके बच्चे डाउन सिंड्रोम का शिकार ज्यादा होते हैं। अच्छा अगर इसके डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसके दो बेसिक टेस्ट हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही किए जाते हैं डाउन सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए। इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट प्रॉपर डायग्नोस्टिक तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये सेफ होते हैं। जो बच्चा अभी डेवलप हो रहा था मां के पेट में प्रीनेटल फेज में, तो ये टेस्ट सेफ होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट। लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसमें कंफर्म होता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, लेकिन ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जहन में रखें रिस्क की ज्यादा होते हैं स्क्रीनिंग की निस्बत। मां के लिए भी रिस्की होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और उस बेबी के लिए भी ये रिस्की होते हैं। लेकिन ये जरूर जहन में रखें कि ना ही ये स्क्रीनिंग टेस्ट ना ही डायग्नोस्टिक पूरी तरह डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट नहीं कर सकते, या उसका इंपैक्ट जो है कोई भी इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है। ये सिर्फ एहतियातन एक लेवल सेट है दुनिया में। अब अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की बात की जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट में ज्यादातर ब्लड टेस्ट शामिल है। अच्छा अब ब्लड के अंदर क्या देखा जाता है, ब्लड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस देखे जाते हैं मां के खून में, फॉर एग्जाम्पल MS, AFP, दूसरे नंबर पे ट्रिपल स्क्रीन है,
तीसरे नंबर पे क्वाड स्क्रीन, चौथे नंबर पे अल्ट्रासाउंड है, और जिसमें अल्ट्रासाउंड में तो आप जानते हैं भाई बेबी की पिक्चर सामने आ जाती है ना। अच्छा, इसमें क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड में, जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट होते हैं कि बच्चे की गर्दन के पीछे कहीं कोई फ्लूइड तो नहीं है, जहन में रखें अल्ट्रासाउंड के दौरान अगर बच्चे की गर्दन के पीछे एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाए तो समझ जाएं कि ये बच्चा जेनेटिक प्रॉब्लम का शिकार है। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये सिर्फ रिस्क इंडिकेट करते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है, कंफर्म नहीं बताता। जहन में रखें स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट एबनॉर्मल भी हो सकता है, और एबनॉर्मल उस वक्त बच्चा नॉर्मल पैदा हो और स्क्रीनिंग टेस्ट में आ जाए बच्चा एबनॉर्मल है, इस तरह भी होता है। और सम टाइम टेस्ट रिजल्ट नॉर्मल होते हैं और बच्चा डाउन सिंड्रोम के शिकार पैदा हो जाता है, ये भी होता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। डायग्नोस्टिक टेस्ट उस वक्त होते हैं जब स्क्रीनिंग टेस्ट से बच्चा निकल आता है। इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं? नंबर वन, चोरियानिक विलस सैंपलिंग, जिसे CVS कहा जाता है। ये जो ब्लड के अंदर प्लेसेंटा होता है ये उसको एग्जामिन करता है। नंबर टू पे है एमिनोसेंथेसिस, ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक फ्लूइड को मुआयना करता है, मां के पेट के अंदर जो फ्लूइड उसे मुआयना करता है। यानी कि यूं समझें बच्चा जिस प्रीनेटल फेज में प्रेगनेंसी के दौरान मां के पेट में जिस थैली में बंद होता है ना, उसी थैली के फ्लूइड को चेक किया जाता है। तीसरे नंबर पे है परकंटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग, जिसे पब्स भी कहा जाता है। ये जो अम्बिलिकल कोर्ड होती है मां के पेट में, वहां से जो ब्लड है वो लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट बेसिकली क्रोमोसोमल चेंजेस को ही बताते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब इसको या डायग्नोस भी करते हैं ना। अब बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, फेशियल फीचर्स तो इनके सेम होते हैं ना, लेकिन जहन में रखें कि पैदाइश के वक्त जहां पे डाउन सिंड्रोम का इशू है वहां पे कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, यानी कि जो कॉमन है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, हेयरिंग लॉस हो सकता है। नंबर टू, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अच्छा, ये वो कंडीशन है जिसमें बच्चे का सांस बंद हो जाता है पैदाइश के टाइम, बिल्कुल बंद होता है। नंबर थ्री, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर फोर, आई डिजीजेस हो सकती हैं। नंबर फाइव, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दिल के मसले, कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो हेल्थ केयर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की इस कंडीशन का खसूसी तौर पर मुआयना करें, स्क्रीनिंग करें, और प्रॉपरली उसको फिर ट्रीटमेंट किया जा सकता है इन कंडीशन का जो कि मैंने अभी जिक्र की। अब टीचर्स, पेरेंट्स या जो केयर प्रोवाइडर्स हैं, केयर गिवर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। जहन में रखें ये जो डाउन सिंड्रोम है ये हमेशा लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, ये सारी जिंदगी का प्रॉब्लम है। लेकिन जहन में रखें अगर प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाए, तो उनकी जो फिजिकल और जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, जो सलाहियतें हैं, उनको इंप्रूव किया जा सकता है। अब इसमें से जो ज्यादातर जो सर्विसेज हैं वो इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि बच्चा अपने फुल पोटेंशियल पे जाना काम कर सके, फुल पोटेंशियल पे लर्निंग कर सके, फुल पोटेंशियल पे जिंदगी गुजार सके, मतलब अपनी लिमिटेशन को देखते हुए
बच्चे के अंदर जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो वो कर सकता है ही कैन डू, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब आप चाहेंगे एज अ टीचर, जब आप चाहेंगे एज अ पेरेंट्स, जब आप चाहेंगे एज अ केयर प्रोवाइडर्स। अब अगर इन सर्विसेज का मैं जिक्र करूं तो अगर फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चे को कोई स्पीच प्रॉब्लम, तो स्पीच थेरेपी की जा सकती है, स्पीच सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। दूसरे नंबर पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जा सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मुराद सिंपल आसान अल्फाज में ये है कि जनाब आप बच्चे को उसकी डेली लिविंग स्किल सिखा सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हायर करना पड़ता है वो हायर कर सकते हैं, आप खुद भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके लिए कई रास्ते मौजूद हैं, खासकर गूगल पे, हाउ टू डू ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्हाट इज द जॉब ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इस तरह। तो डेली लिविंग स्किल के जो काम हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं वो डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चों को सिखाने चाहिए, और ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। और इसके अलावा फिजिकल थेरेपी जो कि फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले गुजारिश की कि इसमें इनके जो मसल्स हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उन मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है इन बच्चों की। और जहन में रखें इन बच्चों को हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। ये जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है ज्यादातर ये जो उस मुल्क का या उस शहर का जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं या जो ऐसे इदारे जो कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं वही प्रोवाइड करते हैं इन बच्चों को। ये जो डाउन सिंड्रोम का शिकार जो बच्चे होते हैं इनको स्कूल में एक्स्ट्रा नीड और एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ती है, जहन में रखें। हम ये नहीं कह सकते डाउन सिंड्रोम है तो स्कूलिंग नहीं होगी। स्कूलिंग होगी, क्यों नहीं होगी भाई, स्कूलिंग होगी, लेकिन स्कूलिंग करने के लिए इनको एक्स्ट्रा नीड, एक्स्ट्रा हेल्प और एक्स्ट्रा जो अटेंशन है वो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ये देनी चाहिए। अगरचे ये जो डाउन सिंड्रोम का जो शिकार बच्चे होते हैं ये होते नॉर्मल क्लासेस में, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे इनको एक्स्ट्रा केयर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे आखिरी पॉइंट जो आज के लेक्चर का मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से आप स्लाइड भी देख सकते हैं, जहन में रखें जो भी बच्चा, जो भी इंडिविजुअल, जो भी पर्सन होगा डाउन सिंड्रोम के साथ, डाउन सिंड्रोम का शिकार, उनके अंदर जो टैलेंट्स हैं या जो एबिलिटीज हैं वो डिफरेंट होते हैं, अगरचे वो देखने में सेम नजर आते हैं, मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट्स या एबिलिटीज हैं वो डिफरेंट होंगे। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि आप उनके अंदर उस टैलेंट और उन एबिलिटीज को फाइंड आउट करें या उनको वो स्पेसिफिक स्किल्स प्रोवाइड करें ताकि वो एक नॉर्मल और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें और हमारे माशरे का ही हिस्सा बन सकें। सो दिस वॉज आवर लेक्चर टूडे, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव लाइक दिस लेक्चर सो आई सजेस्ट यू टू प्रेस लाइक बटन, एंड definitely you can also share this with someone else. Thank you. Take care.